आदाब नाजरीन, दूरदर्शन यादगिरी हैदराबाद के उर्दू प्रोग्राम आदाब हैदराबाद में मैं मीना सूफिया आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आज हम एक मुलाकात प्रोग्राम के जरिए शहर के मशहूर और मारूफ शख्सियत मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब मोहतरम मोहम्मद कमरुद्दीन के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका हमारे इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। वालेकुम सलाम सूफिया मियां, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आज दूरदर्शन बुलाया है, बहुत ही अच्छी बात है। सर, मिनोरिटी कमीशन के क्याम और उसके मकासद के बारे में बताइए। देखिए मीना सूफिया, अब तक हमारे पास 1450 केसेस रजिस्टर किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ केसेस आए, जमीनात के, तलाक के, रिजर्वेशन के, अपॉइंटमेंट के, और बहुत सारे जो भी है कमीशन, आप जानते हैं माइनॉरिटी कमीशन में जिसको भी नाइंसाफी होती है तो कमीशन से रुजू हो जाते हैं, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिज़्म वगैरह जो भी उनके मसाले आते हैं, हमारे पास कुछ पिटीशन आने के बाद हम कंसर्न डिपार्टमेंट को एक लेटर के जरिए भेजते हैं, 15 दिन में उसका जवाब दिया जाए। उसके बाद 15 दिन में जवाब नहीं आया तो हम नोटिस सर्व करते हैं। तो कमीशन के अख्तियार है कि कमीशन कैन समनिंग एंड एनी पर्सन एनी डिपार्टमेंट जो भी हो मुश्किल। सर, आपके कमीशन मिनोरिटी के अहदा का जायजा लेने से पहले आपके क्या मसरूफियात थे? मैं इससे पहले मीना सूफिया, मैं चीफ इंजीनियरिंग चीफ के हैसियत से करा हूँ, 10 साल चीफ इंजीनियर कर चुका हूँ और 4 साल 5 महीने इंजीनियरिंग चीफ जनरल रह चुका हूँ। जी जी। और सर, ऑल माइनॉरिटीज के लिए आपके कमीशन के तहत मसाइल का हल किस तरीके से निकालते हैं और कैसे मदद करते हैं आप लोग? अभी फरमाया ना मीना सूफिया, अच्छा बोले हैं कि जो भी किसी की नाइंसाफी हो रही है माइनॉरिटी के बारे में, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, सिख हो, उन्होंने हमारे पास अपील करते हैं। अपील के जरिए हम कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर लिख के पहले मंगाते हैं कि क्या इसके क्या वजह है, आप इसको नाइंसाफी क्यों है। अगर 15 दिन तक देखते हैं, 15 दिन के बाद नहीं आने के बाद हमने नोटिस दी जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट को, जो भी कलेक्टर हो या RDO हो या पुलिस हो या किसी भी मौके में के हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिख सकते हैं हम कमीशन के पावर से ही। पिटीशन कितने आते हैं और काम कैसे होता है? जो आज तक जो पिटीशन आए हैं हमारे पास 1450 रजिस्टर किया गया है, जिसमें से हमने 1361 केसेस क्लोज किया गया है। पहला हमारे को एप्लीकेशन आया था कि पिटीशन आया कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 3 साल से उर्दू को आपके लिए एडमिशन बंद किया गया है। अच्छा। हमने फौरी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को नोटिस दी गई है और जब आने के बाद वो मैं समझता हूँ मई 2018 में, तो अभी टाइम था 22 मई तक आखिरी तारीख थी, तो हमने रजिस्ट्रार को बोला क्यों ये उर्दू को आप 3 साल से ना नहीं प्रोफेसर नहीं है वगैरह, प्रोफेसर है तो तेलुगु में चल रहा है, इंग्लिश में चल रहा है, क्यों इस ये किया गया है। तो फौरी उन्होंने हमारे ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन में ईमेल में ये कर दिया है कि एक्सटेंशन कर दिया, उर्दू वाले भी बगैर इसके एमए PhD BA BCom एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि ऐलान कर दिया। बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह का एहसान है कि वो अम्बेडकर में अभी भी चालू है। नहीं, जितने भी माइनॉरिटी की तालीम इदारे हैं उससे दालों से भी। उसके बाद हमने मीना सूफिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हमारे रामचंद्रन साहब वाइस चांसलर थे और गोपाल रेड्डी साहब रजिस्ट्रार थे। हमने पूछा क्या अरबी और फारसी के ये अभी तक प्रोफेसर को आप अपॉइंट नहीं किया गया है, क्या वजह है? तो नहीं बोले हमने ऑलरेडी लिख दिया है, अब इंशाल्लाह आपको 1 महीने के अंदर हम नोटिफिकेशन दे देंगे। अल्लाह का एहसान है कि फारसी प्रोफेसर, अरबी प्रोफेसर और उर्दू प्रोफेसर भी अपॉइंट किया गया है। और मैंने पूछा कि 4% भी आपके पास लागू हो रहा नहीं, तो रजिस्ट्रार बोल रहे हैं कि फौरी हमारे पास आप आने के बाद 4% लागू हुआ है, कम से कम 4% जरिए 31 अपॉइंटमेंट किया गया है। अच्छा जी। और जायदादों के मुताल अगर किसी को मसाइल होते हैं तो सर आपके कमीशन के जरिए क्या होता है, कैसे मदद होती है, कैसे तरीका कार होता है उसका? जैसे हमारे पास यूनियन आयुष लोग आए थे कि हमारे पास डॉक्टर के वैकेंसीज है, नोटिफिकेशन दे दिया गया, हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को नोटिस दी गई है, क्या वजह है कि 60 डॉक्टर के पोस्ट है 60 क्यों नहीं किया? हमारे लेटर के बाद वो नोटिफिकेशन किया गया है, अपॉइंटमेंट भी किया गया है। जी। अगर सर अकलियतों के साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं उस ताल्लुक से आपकी तरफ से क्या मदद होती है और आप लोग का उस केसेस को, उस ज्यादतियों को देखने का नजरिया क्या होता है? देखिए बहुत सारे हैं, हमने फौरी जो भी हमारे पास अपील करता है जाने तो 100 मोटे भी ले सकते हैं हम पेपर में आने के बाद देखते हैं। जैसा परसों ये एक मोइनाबाद केस, रेप केस हुआ है, मोइनाबाद केस में हम फौरी क्या करें,
और ये हम खुद बच्चे से उनके वाले से मिले और वहाँ पे जाके उनसे बात करे, बात करने मैं भी गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि माइनॉरिटी वेलफेयर में हमारे सिक्योरिटी नदीम अहमद साहब को के 5 लाख एक्सक्रेशिया दिया जाए और एक डबल बेडरूम के लिए रिकमेंड किया गया है और महाना 5,000 बहुत गरीब है लोग, वालदा भी नहीं है, सब वालिद भी है और मजदूरी करके जीते हैं। अच्छा, तो बेचारे बहुत ही अफसोस के साथ मैं जाके इंस्पेक्शन करा, उसके बाद से हमारे साथ हमारे उन्हें भी थे हमारे चक्रवर्ती साहब असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और सुरेश इंस्पेक्टर भी साथ थे, बहुत ही अच्छा हुआ। फिर इंशाल्लाह हमारे हानल सिंह साहब भी बहुत अफसोस कर रहे हैं, जरूर हमारे हानल सिंह से जरूर उनकी मदद करेंगे, बहुत ही क्योंकि हमारे हानल सिंह साहब भी बहुत ही सेकुलर है और गंगा जमुना लगते हैं माइनॉरिटी के लिए बहुत ही अच्छे इकदाम कर रहे हैं। जरूर मैं उम्मीद रखता हूँ कि जल्द से जल्द उनको एक्सक्रेशिया और डबल बेडरूम हम रिकमेंड कर रहे हैं, जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी सर, अगर आपसे आम आदमी रुजू करना हो तो उनके लिए कैसे तरीक़ेकार हो सकता है, आपसे अगर कमीशन से मिलना है? नहीं, हमारा ऑफिस है ना कमीशन में, उसके लिए तरीक़ेकार क्या है? हमारे पास आने के बाद एक अपील करना दरख्वास्त, जो भी तकलीफ है, या घर का मामला है, तलाक का मामला है, या उनके जायदाद का मामला है, या नौकरी का मामला है, जो भी मसाले हमारे पास पिटिशन के जरिए एक दरख्वास्त दिया जाता है, हमारे पास रजिस्टर किया जाता है, उसके बाद से हम फौरी अभी मैं भी बोलाना कि हम फौरी कंसर्न डिपार्टमेंट को हम नोटिस दी जाती है और ये उनको कापी भी उनको इंक्लोज किया जाता है कि इसके बारे में आप तफसीली बताइए, 15 दिन का टाइम देते हैं, उसके बाद हम लेटर आने के बाद फिर हम उनको भी नोटिस देके कोर्ट में बुलाते हैं, कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, कोर्ट है। कोरोना की वजह से जो जॉबलेस हो रहे लोग सडनली जॉब चले जा रही है, उनके लिए क्या है आपके कमीशन की तरफ से? मीना सूफिया, क्योंकि सडनली विदाउट नोटिफिकेशन आजकल जॉब से फायर कर दिया जा रहा है। हमारे पास 15 पिटिशन आए थे BHCL, ECL वाला कंपनी में, इन्फोसिस में, हमने उनको फौरी नोटिस दी गई है कि क्यों निकाला गया है। तकरीबन 15 में से 4 लोगों को फिर अपॉइंट कर लिए हो, फिर और बाकी है उनको फिर हम रिमाइंडर करेंगे, उनको जरूर लोगों ने हमारे को रिस्पांस भी अच्छा दिया है और कुछ वर्क नहीं होने से कोरोना होने से हम ये करे हैं बल्कि बोले हैं इंशाल्लाह, उनको भी 15 में 4 आदमियों को ले लिया है और बाकी 9 है उसको भी ले लीजिए इंशाल्लाह, वो लोग लिखे हैं हमारे को इंशाल्लाह। अकलियतों के साथ किसी भी इदारों में जो नाइंसाफियां होती है उसका सामना वो कैसे करें और आपके पास पिटीशन मतलब कैसे अप्लाई करें, कैसे वो आपसे रुजू हों? नहीं, हमारे पास क्या है, मैं मीना सूफिया चेयरमैन के बाद हमारे पास 5 मेंबर रहते हैं जिसमें पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म वगैरह, सो लोगों भी मेंबर भी हमारा मीटिंग होती है हर महीने। मीटिंग में हम लोग इतने केसेस आए बोल के हम ये करते हैं, मेंबरों को भी हम भिजाते हैं डिस्ट्रिक्ट को, पहला पिटिशन आया है अब जाके इंक्वायरी कर रिपोर्ट दिया जाए, तो मेंबर अभी जाके रिपोर्ट दे रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा रिपोर्ट है और मेंबर भी अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी अदालत में जो होता है वहाँ पर वो किस तरह से प्रोसेस होता है? देखिए, हमारे अदालत में क्या है, मेरे पास में हमारा एक सेक्रेटरी रहता है, वो सेक्रेटरी भी इक्वल टू एक एडिशनल सेक्रेटरी GAD से आते हैं। जी जी। उसके पास से एक 2 सेक्शन ऑफिसर्स है, एक अकाउंटेंट है और एक यानी कि हम थोड़े लोगों को एडवाइजर भी लिए हैं जो रिटायर्ड जज है हमारे पास, तो वो लोग भी आते हैं और जिसकी परेशानी है उन्होंने भी अपने तरफ से वकील भी रख सकते हैं लोग, वकील आपने बात करे तो आपकी तरफ से वकील बात करते हैं हमारे पास। तो हमारा जो भी है, जो नाइंसाफी बहुत ही हुई है, इंसाफ नहीं हुआ है, वो केसेस को हम कोर्ट में बुलाते हैं, टाइम दिया जाता है उनको, फला दिन आप 11 बजे हमारे कमीशन कोर्ट को आइए बोलते हैं। कोई भी आम आदमी आपसे आके रुजू हो सकता है? रुजू हो सकता जी। सर, पारसियों के बारे में बताएं, उनके ताल्लुक से क्या? बड़ा अच्छा सवाल किए हैं आपने। पारसी का एक हमारे निजाम सरकार ने 1919 में सिकंदराबाद में जो पासपोर्ट ऑफिस के बाजू 2 एकड़ जमीन में पारसियों के लिए एक स्कूल कायम किया गया है, इसका फाउंडेशन खुद हुजूर निजाम के हैं। 1919 में किए हैं, फिर 2019 में उसका 100 साल जश्न अच्छा, में मनाया गया है। तो हमने पारसी स्कूल का दौरा किए, हम हमारे मेंबर हैं, तकरीबन हमारे पास गुस्से नूरिया बोल के मेंबर भी है पारसी के, उन्होंने हमें तफसील बताया, हम जाने के बाद स्कूल गए, देखने के बाद
हमने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि 50 लाख इसको सैंक्शन किया जाए, रिपेयरिंग वगैरह है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल हो गए उसकी जी जी। तो अल्लाह के एहसान है, वो भी मंजूरी में है इंशाल्लाह, एक 15-20 दिन में मंजूरी हो जाएंगे, क्योंकि पारसी बहुत अच्छा हमारा हुजूर निजाम, बहुत ही अच्छी जमीन है, 2 एकड़ है वो हॉट स्पॉट में, उसमें बच्चे उर्दू मीडियम उर्दू मुस्लिम में पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ रहा है, सिकंदराबाद में है पारसी का। नाज़रीन अब यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। सर बुद्धिज्म के बारे में क्या? बुद्धिज्म के बारे में हमारे पिटीशन आया था, हमारे कटाया बल के हानिमुल मेंबर है, वो बीएचएल में एक कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं बुद्धिज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए एक अच्छा कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, जिसमें उनकी तरफ से नुमाइंदगी करने के बाद गवर्नमेंट भी उनको 10 लाख रुपए सैंक्शन किया गया है, तो इंशाल्लाह वो भी एक कम्युनिटी हॉल के एक बीएचएल के बाजू बना रहे हैं। सर ये सिखों के लिए आपकी कमीशन? सिखों के लिए हमारे पास पिटीशन आई थी, हमारे मीना सुफिया महेंद्र इसमें 3000 गज उनको दी गई है, कब 2002 में, तो अभी तक वो इसके बाद इनको देने के बाद फिर बीएसएनएल को दिया गया है, तो हमने बीएसएनएल को नोटिस दी गई है, और सिखों के गुरुद्वार के लोग आए थे, हम नोटिस देने के बाद बीएसएनएल को 1500 गज और सिखों को 1500 गज के बारे में तय हुआ है, वहाँ भी गुरुद्वार बनाने के लिए वो भी काम चल रहा है जी जी। सर ईसाइयों के ताल्लुक से कुछ? ईसाइयों के ताल्लुक से भी हमने धारूर विखाराबाद डिस्ट्रिक्ट में मेथोडिस्ट चर्च है, वहाँ पे जो नवंबर में 6 नवंबर से 12 नवंबर तक यात्रा होती, कम से कम मिनिमम 5 लाख आदमी आते हैं वहाँ पे, पूरे महाराष्ट्र कर्नाटक का हर हर के, बहुत अच्छी यात्रा होती धारूर धारूर विखाराबाद जिले में है, मंडल भी है धारूर, तो हमने उमर जली साहब हमारे कलेक्टर थे उस जमाने में विखाराबाद के, मई और उमर जली साहब ने दौरा किया, उसके बाद से वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर रोड्स सैनिटेशन टॉयलेट ब्लॉक नहीं थे, बेचारे उमर जली साहब पर्सनल वहाँ जाके पूरा रोड डाले हैं, ड्रिंकिंग वाटर के फैसिलिटी दिए हैं, टॉयलेट बनाए हैं, और कम से कम बहुत ही अच्छा काम हुआ है, क्रिश्चियन वहाँ भी बहुत खुश है, वहाँ पे बिशप डैनियल बोल के है, और बहुत ही हमारे को शुक्रिया अदा किए हैं, कलेक्टर को भी अप्रिशिएशन लेटर दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा काम हुआ, वो भी वहाँ पे कम से कम हमने 2 करोड़ का रिकमेंड किए थे, यानी कि 2 करोड़ रिलीज हुए हैं, तो काम भी हुआ है, फिर हर साल वहाँ पे 6 नवंबर को यात्रा होती है, बहुत अच्छा, बहुत ही अमेरिका लंदन से भी आते हैं क्रिश्चियनों का बड़े पैमाने पे। हाँ सर ये माइनॉरिटी के अहम कारनामों पर रोशनी डालिए आप। देखिए मीना सुफिया अच्छा सवाल किए हैं कि माइनॉरिटी के बारे में, हम आने के बाद मैं चेयरमैन ने बनाऊ, अल्लाह का एहसान है कि बहुत कुछ काम किए हमने, माइनॉरिटी कमीशन से पहले मैं चीफ इंजीनियर 10 साल कर रहा हूँ, और 4 साल 5 महीने इंजीनियरिंग चीफ कर रहा हूँ जनरल बहुत ही तामीरात में, पूरे इंजीनियरिंग चीफ हूँ, बहुत ही अच्छा का ये किया हूँ कि शायद ही मैं 10 साल कोई इंजीनियरिंग चीफ इंजीनियर नहीं करा, मैं एक वाहन शख्स हूँ चीफ इंजीनियर कर रहा हूँ, फिर इंजीनियरिंग चीफ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा ये है। अल्लाह रफी इंजीनियरिंग यूनानी दवाखाने के बारे में पिटीशन आई थी, हमने दौरा किया, मैं हमारे अजीम साहब मेंबर और सुरेंद्र सिंह हमारे एक मेंबर है, तीनों मिलकर दौरा किए, बंडलागुड़े में है रुद्रेश्वर साहब उसके उनकी जमीन है, हमने एक पिटीशन देखने के बाद वहाँ पे गए हैं, तो हमने क्या कर दिया, जाने के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को हम एक लेटर लिखे के आफ्टर थरो इंक्वायरी ये कॉलेज को क्या किया जाए बोल के, तो इत्तेफाक से हमारे उस जमाने में शांति कुमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ है, तो फौरी डायरेक्ट आयुष को लेटर लिखे कि ये अलारिफ को इन्वेस्ट करिए, वहाँ पे क्या क्या ये फैसिलिटीज है नहीं है, जरूर हमारा हॉनरेबल सीएम का शुक्रिया अदा करना, तो सेक्युलर है और माइनॉरिटी के लिए बहुत कुछ किया है, तो शादी मुबारक है जैसा, यानी कि बहुत ही अच्छा स्कीम है, और वो सिर्फ स्कॉलरशिप है जो बाहर जा रहे हैं अमेरिका को, उनको 20 लाख रुपए दिया जा रहा है, और लोन भी दिया जा रहा है, जो गरीब लोगों को 2 लाख रुपए लोन दिया जा रहा है माइनॉरिटी की तरफ से, और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे सेक्रेटरी अहमद नदीम साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन वगैरह दिला रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है गवर्नमेंट में, हम भी जगह है ना, जैसा माइनॉरिटी में 206 स्कूल है, रेसिडेंट स्कूल यहाँ पे 206 स्कूल कहाँ है बोलो, पूरे इंडिया में नहीं है, हॉनरेबल सीएम साहब पर्सनली 206 स्कूल चल रहे हैं, अच्छे हम हर जगह गए स्कूल में, खाना अच्छा है मेरा, पढ़े अच्छे मेरी, ट्यूशन है उनको हर चीज, एक बच्चे पे 1,25,000 खर्चा कर रहे हैं हमारे हॉनरेबल सीएम साहब, 1,25,000 रुपए
यानी कि बड़ा कारनामा है ये। 206 रेशन स्कूल अच्छे चल रहे हैं, अच्छा स्टाफ है, हमारे शफीउल्लाह साहब जो सिक्योरिटी है बहुत ही रात दिन मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और हाने बोले एके खान साहब भी एडवाइजर उसके, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मैं हम कहीं कम से कम 40 स्कूल देखे हम जी जी, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। सर आज इस प्रोग्राम के अख्तिताम से कबल हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल किए आप बिना सुफिया। ये कमीशन अभी तक किसी को ये नहीं था कि माइनॉरिटी कमीशन क्या चीज़ है। जी हाँ, अल्लाह का एहसान है, हम आने के बाद बहुत सारे चीजें की है। एक वाकया बोलता हूँ मैं जी, एक अमेरिका का शादी कर लेके जाने के बाद सिर्फ ऐनक लगा रहे हैं बोल के उनको तलाक दे दिया उन्होंने। जी जी, हमने रेड कॉर्नर नोटिस के लिए रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम अफेयर्स को जी, तो अल्लाह के एहसान है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम अफेयर्स भी उनको कैंडिडेट को नोटिस दी, नोटिस दे के उनका पासपोर्ट सीज किया गया है, क्रिमिनल केस बुक किया गया है। अब वो क्या अब आके क्या बोल रहे हैं कि हम उसको विदा करते हैं। अच्छा, तो लिहाजा बेचारी की जिंदगी बच गई। अब वो लोग तस्वे आपस में कर रहे हैं, बड़ा तलाक केस हो, कुछ भी केस हो, बहुत सारी चीजें कमीशन से हो रहा है और फायदा हो रहा है। और मैं आखिरी में ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, कमीशन जरिए हम चीफ सेक्रेटरी को भी हम लेटर लिखे हैं कि 4% लागू किया जाए, जरूर हमारे चीफ सेक्रेटरी भी हर एक को लिखे हैं, हर डिपार्टमेंट को कि 4% लागू किया जाए, तो जरूर 4% हुआ है। तकरीबन 35 डिपार्टमेंट से हमारे लेटर आए हैं कि हम फलान डिपार्टमेंट में 2 आदमी को 4% से अपॉइंट किया गया है, फलान डिपार्टमेंट में पंचायत राज में 3 आदमी को अपॉइंट किया गया है, मेडिकल डिपार्टमेंट में 4 आदमी को दिया गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2 को हम 4% में दिया गया है। पर अल्लाह का एहसान है कि 35 डिपार्टमेंट से 4% के लिए हमारे को रिपोर्ट आई, और अपने बच्चों का नाम भी है, कैंडिडेट का है, पोस्ट क्या दिए है वो भी हमारे पास डिटेल है। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जूकल मंडल से एक हमारे छोटे मियाँ बोल का है हमारे पास जी, छोटे मियाँ का केस 2009 में डिवीजन बेंच का आर्डर है कि इनको म्यूटेशन सर्टिफिकेट दिया जाए जी, वो हमारे पास 18 में आए, 18 में आके बोले छोटे मियाँ भी बेचारे बहुत गरीब है, कपड़े ही फटे थे। तो मैं बोला जब डिवीजन बेंच का आर्डर है हाईकोर्ट का हनीमून, क्यों आपको म्यूटेशन नहीं किया गया, हम क्या कर सकते हैं छोटे मियाँ बोला हमें साहब, एक कम से कम कलेक्टर को नोटिस दिया साहब, मैं फिर के चपला चले गए पैसे ने, मैं अपने तरफ से 1000 दे के भिजा, गरीब थे बेचारे, तो अल्लाह का एहसान हुआ मैं कलेक्टर को नोटिस देने के बाद कोर्ट का आर्डर लगा के इंक्लोज करके भिजा हमें, अल्लाह का एहसान है कि छोटे मियाँ बुला के कलेक्टर कामारेड्डी ने फौरी उसको म्यूटेशन दिया गया है, जूकल मंडल में कुछ गाँव का नाम है, तकरीबन उसकी 15 एकड़ कुछ है जी, तो आज उसकी जमीन की वैल्यू हो गई, बेचारा दुआ दे रहा है कि उसकी जमीन मिल गई, म्यूचुएशन हो गया, और बहुत सारी चीजें हम जमीन भी दिला दी हैं, किसी की नाजायज कब्जे थे, किसी के वो था, तो हम फौरी बेचारा दुआ दे रहा है कि आपके कमीशन के लेटर की वजह से मेरे को जमीन मिल गई, आज खुशहाल हूँ मैं जी, यानी कि हर कोई मेरे को फोन करता है कि साहब आप कमीशन आने के बाद हमारे बहुत काम हुए, आप हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको दुआ देंगे हम, अल्लाह आपको हर बला से बचाए, मुसीबत से बचाए, बहुत ही जो भी आप बड़ा काम कर रहे हैं, कोई नहीं गया आप फौरी चले गए, मोहनाबाद चले गए, फला हम फोन करते आप फला जगह चले गए, बोल अल्लाह का एहसान है कि हम काम करना हमारा हक है, कि कम्युनिटी को हम सहूलत पहुँचाना, उनके मसाइल को ये करना, उनकी हर एक से हम ये करना, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। नाज़रीन इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है, मीना सफिया को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।